तो हेलो गाइस, क्या चाल? बढ़िया सब। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं जीडे फाइव। और गाइस, आज हम करने वाले हैं भाई अपने इंडियंस कार वर्सेस फायर चैलेंज। और ये जो फायर चैलेंज है, ये फायर चैलेंज थोड़ा सा हटके रहने वाला है, क्योंकि हमने भाई नॉर्मल रोड पे तो अपनी गाड़ी का फायर टेस्ट कर लिया, मतलब नॉर्मल रोड पे हमने आग लगा के देख ली। और वहाँ पे क्या हुआ था कि अपनी बहुत सारी गाड़ियाँ भाई फट गई थी, और वो वाली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आप लोगों को याद ही होगा। फिलहाल तो गाइस, आज का जो सिनेरियो है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइस, आपको सामने की तरफ में एक रैम नजर आ रही होगी, और ये जो रैंप है आपको अभी सामने, मतलब यहाँ से तो एक नॉर्मल सी रैंप लग रही होगी, और अभी आप लोग सोच रहे हो कि इसमें क्या होगा भाई, मतलब यहाँ से गाड़ी को जाना होगा और ऊपर चढ़ना होगा। पर गाइस, यहाँ पे जैसे ही मैं आपको क्लोज लेके जाऊँगा तो आप लोग देख सकते हो कि इस रैंप पे पूरे में लगी हुई है आग। और अभी आप लोग सिनेरियो यहाँ पे समझ ही गए हो कि होने क्या वाला है। गाइस, यहाँ पे होने ये वाला है कि आज हम करने वाले हैं भाई अपने इंडियंस कार वर्सेस फायर रैंप क्लाइंबिंग चैलेंज। और ये टाइटल और थंबनेल यही रहने वाला है, और जो लोग नहीं समझ पाए तो अब जाके आप लोग समझ जाओ। तो गाइस, यहाँ पे होने क्या वाला है कि वहाँ से गाड़ी आएगी और उसको भाई इस रैंप के थ्रू ऊपर तक चढ़ के जाना है, और यहाँ पे अपना फिनिश पॉइंट। तो अब देखना होगा कि कौन कौन सी कार भाई साहब मतलब यहाँ पे सर्वाइव करके आने वाली है। फिलहाल तो यहाँ पे अपना फ्रैंकलिन भाई फुल सेफ्टी गार्ड वगैरह पहन के आया हुआ, क्योंकि अभी अपनी टक्कर सीधा मतलब अपना सीधा भाई आग में जाने वाले हैं, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो गाइस, यहाँ पे फटाफट से जो वीडियो है उसको करते हैं स्टार्ट। और गाइस, यहाँ पे जो सबसे अपने नंबर वन की कार है वो है अपनी टाटा पंच। अब देखते हैं जो अपनी टाटा पंच है ये भाई सब सर्वाइव करके मतलब ऊपर तक पहुँच पाती है नहीं, और देखते हैं कि आज कौन कौन सी गाड़ियाँ भाई सर्वाइव करके ऊपर तक पहुँचने वाली है। तो उसके लिए गाइस क्या है कि आप लोगों को वीडियो एंड तक वॉच करनी पड़ेगी। तो लेट्स ही देखते हैं कि जो अपनी भाई टाटा पंच है ये यहाँ पे सर्वाइव कर भी पाएगी या नहीं। तो मेरे को नहीं पता है गाइस कि क्या होने वाला है। फिलहाल तो गाइस, यहाँ पे अपनी टाटा पंच काफ़ी स्पीड से जा रही है, और अबे भाई, ओ भाई साहब, गाइस यहाँ तो आग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही है, और यहाँ पे अपनी टाटा पंच में आग लग चुकी है। और भाई अबे रुक जा। तो गाइस, यहाँ पे यार जो अपना रैंप है ना, मतलब अपना जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है, पर यहाँ पर अपनी टाटा पंच में आग तो आई थी तो बुझ चुकी है। और ओके, तो गाइस अपनी जो टाटा पंच है भाई पूरी की पूरी मतलब सेफ तो बच गई है, और पर इसके जितने भी टायर है ना आई थिंक से सारे के सारे जल चुके हैं। और भाई साहब, सबसे इफिक चीज़ पता है क्या हुई कि भाई अपनी कार पूरी की पूरी इस पार आ गई। आई थिंक से मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे स्लो स्पीड में लाना चाहिए, बिकॉज वरना अपनी गाड़ियाँ भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डैमेज होने वाली है। फिलहाल तो अच्छी बात यह है कि अपनी जो टाटा पंच है भाई वो पूरी की पूरी आग से सर्वाइव करके यहाँ तक आ चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो ऑल राइट गाइस, यहाँ पे जो अपनी सेकंड कार है वो है भाई अपनी होंडे की क्रेटा 2021। अब देखते हैं जो अपनी होंडे की क्रेटा है ये भाई साहब सर्वाइव कर भी पाती या नहीं। फिलहाल तो मेरे को नहीं पता है कि भाई क्या होने वाला है इसके साथ में। तो उम्मीद करते हैं कि यार भाई सब कुछ बढ़िया हो, मतलब यहाँ पे मैं चाह नहीं रहा हूँ कि कोई भी गाड़ी भाई फटे। फिलहाल इस बारी मैं थोड़ा सा स्लो लेके जाने वाला हूँ, पर हाँ यहाँ पे एक चीज़ तो है कि अपनी जो कार है ना वो काफ़ी इजीली मतलब चढ़ तो जा रही है, पर भाई साहब यहाँ पे मेरे को क्या लग रहा है कि भाई अपनी क्रेटा में आग तो लगी हुई है, और इसके टायर एक एक करके ब्लास्ट होते जा रहे हैं गाइस। और यहाँ पे सारे टायर आई थिंक से ब्लास्ट हो गए हैं, और नहीं टायर तो मतलब सही है। ओके, तो मेरे को लगा था गाइस कि जो अपनी कार है वो आई थिंक से कहीं फट फटा ना जाए, एक बार चला के देख लेते हो। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे अपनी गाड़ी के जितने भी टायर हैं वो सारे जल चुके हैं, पर अच्छी बात ये है कि अपनी जो होंडे की क्रेटा है वो यहाँ पे सेफ बच गया। तो अभी इसको थोड़ा सा साइड पे पार्क करते हैं और चलते हैं फिर उसके बाद अगली कार की तरफ। और लेट गाइस, यहाँ पे जो अपनी अगली कार है वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर ओल्ड वाली। अब देखते हैं जो अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर ओल्ड वाली है ये भाई साहब यहाँ पे सर्वाइव करके ऊपर तक चढ़ पाती है नहीं। और हाँ गाइस, आप लोग यार आजकल वीडियो को भाई लाइक वाइक नहीं कर रहे हो, तो यार प्लीज यार लाइक वगैरह कर देना। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं गाइस 2K लाइक्स का, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यार कंप्लीट करा दोगे। हालांकि मैंने भाई कुछ जरूरत से ज्यादा ही लंबा मतलब बड़ा लाइक गोल रख दिया है, पर मेरे को आप लोग पर पूरा भरोसा है कि आप लोग जो अपना लाइक गोल है उसको कंप्लीट करा दोगे। और फिलहाल तो गाइस यहाँ पे अपनी फॉर्च्यूनर में भाई आग तो मेरे को लग रहा है कि काफ़ी तगड़ी लगी हुई है, और भाई इसके टायर एक एक करके जलने लगे हैं और बर्न आउट भी हो रहा है, मतलब जितने भी टायर हैं वो सारे के सारे फटते जा रहे हैं एक एक करके। अब मेरे को देखना पड़ेगा कि ये ब्लास्ट तो नहीं होने वाली है, हालांकि मेरे को इसमें कहीं आग को भाई साहब भाई सच्ची में मैं तो डर गया था यार, मेरे को लगा ही था हालांकि, क्योंकि इसमें आग कहीं पे जलती हुई नज़र तो नहीं आई थी, पर यहाँ पे जो अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर है ना भाई वो पूरी की पूरी ब्लास्ट हो चुकी है, और जो कि मतलब बहुत ही बुरी बात है। तो गाइस यहाँ पे अपनी लिस्ट की ये पहली कार है जो कि मतलब सर्वाइव नहीं कर पाई है, वरना अपनी दो कार बैक टू बैक सर्वाइव करके आ गई थी। फिलहाल तो हो सकता है भाई अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर के यहाँ पे बैड लक चल रहा हो, तो इसीलिए यार जो मतलब ब्लास्ट हो गई, तो अभी इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो बढ़ते हैं गाइस अभी नेक्स्ट कार की तरफ। और लेट गाइस, यहाँ पे अभी बारी है भाई अपनी महिंद्रा थार 2021 की। अब देखते हैं जो अपनी महिंद्रा थार 2021 है ये भाई साहब यहाँ पे सरवाइव कर पाती है नहीं। फिलहाल तो मेरे को नहीं पता है कि क्या होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे जो आग है ना गाइस सच्ची में बहुत ज़्यादा आप लोगों को नॉर्मल लग रही होगी, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आग की भाई लपटे देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी है,
और अभी मेरे को नहीं पता है। और भाई साहब यहाँ पे जो अपने महिंद्रा थार है उसके टायर वगैरह में आग तो लग गई थी, और मेरे को यहाँ पे आग लगने की साउंड तो आ रही है। मैं कोशिश करता हूँ यार कि जो अपने वो है ना भाई, आग मैं बुझा दूँ, हालांकि मेरे को आग यहाँ पे कहीं नज़र तो नहीं आ रही है। और गाइस यहाँ पे भाई अपने टायर वगैरह में जल रहे हैं, और क्या है, ब्लास्ट होने वाली है। तो जी नहीं गाइस, जो अपनी महिंद्रा थार है वो फाइनली यहाँ पे सेफ बच गई है, मतलब। और बाकी इसके टायर वगैरह तो सारे जल चुके हैं, पर अच्छी बात यह है कि भाई ये अपनी महिंद्रा थार 2021 ये ब्लास्ट ही हुई, बस टायर इसके सारे के सारे जल गए। तो कोई बात नहीं है, टायर हम दोबारा से मतलब पड़वा देंगे इसमें। तो अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं और बढ़ते हैं गाइस फटाफट से नेक्स्ट कार की तरफ। और लेट गाइस यहाँ पे जो अपनी अगली कार है वो है महिंद्रा XUV 500। अब देखते हैं जो अपनी महिंद्रा की XUV 500 है ये भाई साहब यहाँ पे सरवाइव कर पाएगी या नहीं, या फिर ये वाली कार भी भाई ब्लास्ट हो जाएगी। फिलहाल तो मैं कोशिश यही करूँगा कि जो अपनी कार है भाई वो बच जाए, और मैं ज़्यादा स्पीड में इसलिए लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे भाई कार ना एकदम से जंप मार के भाई पूरा पार ही निकल जाती है। और यहाँ पे जो अपनी महिंद्रा XUV 500 है वो भाई साहब आ तो चुकी है, और यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा आग लगने का साउंड आ रहा है, पर मेरे को आग कहीं पे नज़र नहीं आ रही है। पर फिर भी यार हम भाई अपनी जो गाड़ी की आग है वो बुझा देते हैं। मैं यहाँ पे नहीं चाहता हूँ कि कोई भी गाड़ी आज ब्लास्ट हो। ओके गाइज, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि अपनी महिंद्रा XUV 500 यहाँ पे सेफ बच चुकी है, पर इसके चारों जो टायर हैं वो यहाँ पे जल गए हैं। तो कोई बात नहीं है, पर अच्छी बात यह है कि भाई ये वाली जो गाड़ी है ना ब्लास्ट नहीं हुई, वरना मेरे को लगा था कि ब्लास्ट हो जाएगी भाई तो दिक्कत हो जानी है। तो अभी इसको यहाँ पे साइड में पार्क करते हैं और बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट कार की तरफ। तो ऑलराइट गाइस यहाँ पे जो अपनी अगली कार है वो है जीप कंपस। अब देखते हैं जो अपनी जीप कंपस है ये यहाँ पे सरवाइव कर पाती है नहीं, या फिर ये गाड़ी मतलब कहीं ऐसा ना हो कि भाई नीचे ही आ जाए, मतलब चढ़े ही ना। हालांकि चढ़ तो जाएगी मेरे को लग रहा है, क्योंकि भाई जो ये वाली गाड़ी है ना मतलब बहुत ही ऊँची जगह पर चढ़ चुकी है, तो इसीलिए चढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर यहाँ पे अब देखना ये होगा कि ये आग से सरवाइव कर पाती है नहीं। फिलहाल तो भाई साहब यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि आग वाग इसमें लगी हुई है, और यहाँ पे मेरे को साउंड भी आ रहा है। तो फटाफट से जो आग है भाई उसको बुझाने की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ भाई जो अपनी कार वो ब्लास्ट हो जाए यहाँ पे। ओके गाइस यहाँ पे मैंने आग तो बुझा दी है इसकी, पर बुरी बात ये है कि भाई इसमें ना चारों टायर इसके जल चुके हैं, पर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें आग अभी भी लगी हुई है और ये ब्लास्ट होने वाली है मेरे को ऐसा। ओ भाई साहब, मैंने बोला ही था गाइस, मेरे को साउंड आ रहा था कि भाई साहब यहाँ पे इसके इंजन में ना आग लगी हुई थी, और वैसा हुआ भी है। जो अपनी जीप कंपस है वो यार यहाँ पे ब्लास्ट हो चुकी है, मतलब पूरी जो कार है ना भाई जल के राख हो रखी है। आप लोग देखो भाई साहब अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। तो अभी इसको यहीं पे छोड़ देते हैं यार, मतलब इसके हालातों पर, और बढ़ते हैं यार नेक्स्ट कार की तरफ। तो ऑलराइट गाइस यहाँ पे जो अपनी अगली कार है वो है फोर्ड की हैंडओवर मॉडिफाइड वाली। अब देखते हैं जो अपनी फोर्ड हैंडओवर मॉडिफाइड वाली है ये भाई साहब यहाँ पे सरवाइव करके ऊपर तक पहुँच पाती है नहीं, फिलहाल तो देखना पड़ेगा। और हाँ, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी बताते रहना कि कौन कौन सी गाड़ियाँ भाई मतलब ये जो चैलेंज है उसको कम्प्लीटली मतलब सरवाइव कर पाई हैं। फिलहाल तो अपनी फोर्ड के हैंडओवर में भाई आग लग चुकी है, और इसके टायर वगैरह मेरे को जलने की साउंड आने ही है, मतलब जो आग है उसकी। ओ भाई साहब यहाँ पे टायर फटे भी लगे, और भाई यहाँ पे भाई इसके इंजन में आग लगी हुई है। ओके यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा तो ओ भाई साहब, तो गाइज यहाँ पे जो अपनी फोर्ड की हैंडओवर मॉडिफाइड वाली थी ये भी भाई सरवाइव नहीं कर पाई है, क्योंकि इसके इंजन में आग लग चुकी थी। हालांकि आप लोगों को आग नज़र नहीं आ रही होगी, पर जो आग है ना अंदर ही अंदर लग रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। पर यहाँ पे जो अपनी फोर्ड की हैंडओवर मॉडिफाइड वाली है ये भी भाई साहब यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाई। यहाँ पे अभी तक जो गाड़ियाँ सरवाइव करी हैं वो है अपनी महिंद्रा XUV क्रेटा और महिंद्रा थार, और थी कौन सी टाटा की पंच। तो अब और बाकी जितनी भी गाड़ियाँ थी वो सारी की सारी यहाँ पे ब्लास्ट हो चुकी है। तो बढ़ते हैं यार अभी नेक्स्ट कार की तरफ। ओके गाइस अभी बारी है भाई अपनी फोर्ड एंड्यूबर नॉर्मल वाली की, मतलब मॉडिफाइड वाली तो भाई फट गई थी। अभी देखते हैं कि ये वाली कार है कि ये सरवाइव कर पाती है नहीं, फिलहाल तो पता नहीं है भाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो गाइस अपनी जो कार है काफ़ी अच्छी स्पीड में जा रही है, पर हमें ज़्यादा स्पीड में लेके नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा स्पीड में लेके जाते हैं ना तो अपनी जो कार है ना भाई वो पूरी की पूरी बाहर निकल जाएगी वहाँ पर। और अभी इसको यहीं पर रोकते हैं और वेट करते हैं थोड़ी देर, क्या पता हो सकता है कि ये जो गाड़ी है भाई फट जाए, या हो सकता है कि बच जाए। फिलहाल तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ओके तो इसके टायर वगैरह तो फट रहे हैं सारे के सारे, और अभी थोड़ी देर और वेट करते हैं, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। गाइस अभी जो कार है वो फट भी सकती है, पर मेरे को लग नहीं रहा है कि क्योंकि इसमें तो ऐसा ना भाई जलने की आवाज़ नहीं आ रही। तो गाइस यहाँ पे जो अपनी फोर्ड की हैंडओवर है नॉर्मल वाली ये भाई साहब यहाँ पे सरवाइव कर चुकी है, मतलब तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। मतलब हालांकि मॉडिफाइड वाली भाई फट गई थी, पर नॉर्मल वाली यहाँ पे सरवाइव कर चुकी है। तो मतलब अपनी जो फोर्ड की फोर्ड जो एंडओवर है वो यहाँ पे भैया इस चैलेंज में विनर तो हो गई है। तो फिलहाल तो अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। लेट गाइस यहाँ पे अभी बारी है भाई अपनी महिंद्रा बुलेरो की। अब देखते हैं जो अपनी महिंद्रा बुलेरो है वो यहाँ पे सरवाइव कर पाएगी या नहीं। फिलहाल तो देखना पड़ेगा कि भाई साहब ये गाड़ी सरवाइव कर पाती है ना, मेरे को लग रहा है कि कर जाएगी। फिलहाल तो कुछ ज़्यादा ही स्पीड हो गई थी, और अपनी कार है मतलब भाई आराम से चढ़ के तो जा रही है, मतलब इनको दिक्कत कुछ हो नहीं रही है, पर अभी देखना पड़ेगा। और के ओके भाई साहब,
भाई यहाँ पे भाई महिंद्रा बुलेरो के इंजन में से बहुत ही ज़्यादा भाई जलने की आवाज़ आ रही है। और भाई साहब ये देखो भाई कैसे कागज़ की तरह फट गई। ओके तो भाई यहाँ पे अभी कुछ भी हो सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी फटने वाली है, तो अभी थोड़ी देर वेट करते हैं। और तो मैंने बोला ही था गाइस कि मेरे को लग ही रहा था कि ये वाली जो महिंद्रा बुलेरो है वो फटने वाली है। और भाई साहब यहाँ पे जो अपनी कार है वो फट भी गई है। तो गाइस यहाँ पे जो अपनी महिंद्रा बुलेरो है भाई ये भी मतलब चैलेंज से बाहर होती है, मतलब ये वाली गाड़ी भी भाई सर्वाइव नहीं कर पाई। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे जो आग है भाई कितनी ज़्यादा खतरनाक है। तो अभी बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट कार की तरफ। तो ऑलराइट गाइस यहाँ पे जो अपनी अगली कार है वो है भाई इनोवा। अब देखते हैं भाई साहब जो अपनी इनोवा है ये यहाँ पे सर्वाइव कर पाती नहीं। फिलहाल तो मेरे को लग नहीं रहा है कि ये वाली गाड़ी भाई सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लंबी है और इस पर आग का असर बहुत ज़्यादा ही होने वाला है, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना। तो इसी वजह से फिलहाल तो देखते हैं क्या पता भाई सर्वाइव कर जाए। और यहाँ पे भाई साहब अपनी जो इनोवा है भाई रैंप पे चल पड़ी है और इसके टायर वगैरह में आग लग चुकी है। और भाई साहब ये तो बीच में ही दम तोड़ दिया गाइस। ओ भाई यार गाइस एक टाइम को ऐसा हुआ था भाई जो अपनी इनोवा थी ना भाई इन्हें पूरा दम ही तोड़ दिया था बीच में और इसके चारों टायर। ओ भाई साहब गाइस यहाँ पे जो अपनी इनोवा है भाई ये भी सर्वाइव नहीं कर पाई, मतलब ये बहुत ही जल्दी फट गई थी, क्योंकि ये इसने भाई रैंप पे चढ़ने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। और उसी वजह से क्या हुआ कि इस पे आग का असर बहुत ज़्यादा हुआ था। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि इस गाड़ी पे आग का असर बहुत ज़्यादा होने वाला था, क्योंकि ये बहुत लंबी है और इसीलिए इसको फटने में भी ज़्यादा देर नहीं लगी। तो फिलहाल तो अभी इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और बढ़ते हैं यार अगली कार की तरफ। और लेट गाइस यहाँ पे जो अपनी अगली कार है वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर। भाई साहब आप देखते हैं जो अपनी लेजेंडर है ये यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं नहीं। बाकी यार जो भाई कार है ना आप लोग देखो यार कितनी तगड़ी लग रही है वाइट कलर में, तो भाई कतई जहर लगती है मेरे को फॉर्च्यूनर। फिलहाल तो देखते हैं कि ये वाली जो कार है भाई सर्वाइव हो पाती है नहीं। और भाई साहब यहाँ पे आग के लपटे देखो भाई साहब, मतलब आग देखो भाई कितनी ज़्यादा आग है। और भाई साहब इसका भी इंजन यहाँ पे बंद पड़ चुका है। और भाई एक टाइम को ऐसा हुआ था कि ये वाली गाड़ी भी बीच में रुक गई थी। और गाइस यहाँ पे इसके चारों टायर तो भाई जल रहे हैं काफ़ी बुरी तरीके से। अब देखना होगा कि ये ब्लास्ट होती है या नहीं। तो लेट्स सी यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ऐसा साउंड। ओ भाई साहब मतलब मैं बोल भी नहीं पाया यार कि मेरे को साउंड आ रहा है। और गाइस उससे पहले ही अपनी यहाँ पे कार भाई फट गई है, मतलब यार ये गाड़ियाँ फट रही ना सच्ची में डर सा जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब लगता नहीं है कि गाड़ी अपनी फटने वाली है, पर अचानक से भाई क्या होता है कि गाड़ी फट जाती है और तुम्हारे भाई को हार्ट अटैक आते आते मतलब रह जाता है। फिलहाल तो यार अपनी जो लेंडर है वो यहाँ पे फट चुकी है और आप लोग देख सकते हो भाई कितनी सारी गाड़ियाँ यार मैंने भाई फाड़ दिया है। फिलहाल तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट कार की तरफ। तो ऑलराइट गाइस यहाँ पे जो अपनी अगली कार है वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो S10। अब देखते हैं जो S10 है भाई साहब ये सर्वाइव कर पाती है नहीं या फिर ये वाली गाड़ी भी फट जाएगी। तो लेट्स ही देखते हैं कि क्या होता है। और बाकी जो अपनी कार है काफ़ी स्लो जा रही है यार, मेरे को नहीं पता कि ये रैंप पे भाई बीच में रुक ना जाए। बस उम्मीद है कि भाई साहब बीच में ना रुके, बीच में फट गई ना तो काफ़ी दिक्कत हो जानी है। और भाई साहब यहाँ पे आग देखो गाइस, ओ भाई साहब इसके चारों टायर में आग लग चुकी है। और गाइस भाई इसके इंजन में भी, अबे भाई ये तो बीच में ही रुक गई, नहीं नहीं चल रही है। और मेरे को ऐसे फीलिंग हो जा रही है कि ये वाली गाड़ी फटने वाली है, और इससे पहले कि फटे भाई मैं दूर भाग जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे को नहीं मरना है गाइस। और भाई साहब मैं, अबे भाई ये तो पूरी नहीं, अबे भाई उसको फॉर्च्यूनर को भी इनने गिरा दिया, मतलब इसका धमाका इतना तगड़ा हुआ कि गाइस जो अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो S10 खुद तो गिरी और जो फॉर्च्यूनर भाई लटक रही थी वो भी यहाँ पे गिर चुकी है। तो आप लोग देख ही सकते हो कि गाइस जो अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो S10 है वो भी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाई है। तो अभी बढ़ते हैं गाइस अगली कार की तरफ और देखते हैं कि भाई वो वाली कार यहाँ पे सर्वाइव कर पाती है नहीं। और लेट गाइस अभी बारी है भाई अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 की। अब देखते हैं जो अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 है ये भाई साहब यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा नहीं, या फिर भाई ये भी S10 की तरफ फटने वाली है। अब फिलहाल तो अभी देखना पड़ेगा, हालांकि इस वाली गाड़ी की स्पीड उससे तो काफ़ी बढ़िया है। बस उम्मीद कर रहा हूँ कि यार ये वाली जो कार है ना भाई बच जाए। और भाई साहब यहाँ पे मेरे को लग नहीं रहा है क्योंकि इसके चारों टायर में आग वगैरह तो लग चुकी है, और अभी इसको फटाफट से बाहर उतर जाते हैं, क्योंकि भाई ये कुछ भी हो सकता है भाई, मेरे को पक्का नहीं पता है कि गाड़ी फटने वाली है बचेगी। फिलहाल तो देखते हैं कि अपनी जो महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 है ये बच जाए, बस प्लीज़ यार बच। तो भाई साहब तो गाइस यहाँ पे भाई अपने S11 भी नहीं बच पाई है, और भाई साहब ये भी फट गई यार, मतलब तुम्हारे भाई की फेवरेट कार मतलब इस वाले चैलेंज में हार चुकी। तो आप लोग सोच सकते हो कि ये जो चैलेंज है कितना ज़्यादा यहाँ पे ख़तरनाक है। तो यार जो अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 के लिए कमेंट सेक्शन में RIP ज़रूर से लिख देना। तो गाइस अभी बढ़ते हैं यार अगली कार की तरफ, मतलब मेरे को सच्ची में यार बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है भाई अपनी S11 के लिए। तो ऑलराइट गाइस यहाँ पे अपनी जो लास्ट कार बची है वो है महिंद्रा XUV700। और हाँ गाइस अगर आपको उसका पार्ट टू चाहिए होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पार्ट टू में अपने पास जितनी भी गाड़ियाँ बची हम लोग देख सकते हैं कि उस वाली गाड़ियों में से कौन कौन सी कार यहाँ पे सर्वाइव कर सकती है। और हाँ गाइस बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो आप लोग लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो का लाइक गेम रखते हैं भाई 2K लाइक्स के बिना लाइक गेम रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कंप्लीट करा दोगे। तो फिलहाल तो देखते हैं जो अपनी महिंद्रा XUV700 है
ये यहाँ पे सरवाइव कर पाते ने। और भाई सब यहाँ पे आग, भाई आग देखते ही ना सच्ची में यार भाई गाड़ी की फटती जाती है। और भाई यहाँ पे जो महिंद्रा XUV 700 में आग लग चुकी है और इससे पहले कि फटे भाई मैं दूर हो जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को आग तो नज़र आ नहीं रही है और ये गाड़ी हो सकता है कि फट भी जाए। मे बी 1% चांसेस लग रहे हैं कि ये बचने वाली है, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है। मतलब मैं बोल ही रहा था कि मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि फटने वाली है और ये फट गई। मतलब मैंने मेरे से पूछा भी नहीं कि मैं फट लूँ, बिना पूछा ही फट गई है गाइस। तो गाइस इस चैलेंज में जो अपनी गाड़ियाँ विनर रही हैं वो है भाई अपनी महिंद्रा थार 2021 और क्रेटा थी, और अपनी टाटा पंच है, और महिंद्रा XUV 500 है, और है भाई अपनी फोर्ड की एंडोवर नॉर्मल वाली, और बाकी जितनी भी गाड़ियाँ थी वो सारी की सारी फट चुकी है। तो आप लोग इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो कि ये जो चैलेंज है कितना ज़्यादा हार्ड था अपनी गाड़ियों के लिए। तो बस गाइस आज की वीडियो अभी यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर से अच्छी लगेगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसी बढ़िया बढ़िया और घटिया घटिया वीडियो देखने के लिए। तो गाइस मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।